वेलकम बैक टू माय चैनल द मल्टी गोल्स। तो जैसे कि अभी मेरा पिछला वीडियो था बेसिक मेकअप का, तो अगेन मैं गर्ल्स के लिए एक और एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो सेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी फिलहाल गर्ल्स के लिए, दैट इज कि टेंशन के वजह से, डिप्रेशन के वजह से, या अलग जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, उसकी वजह से हमारे बाल झड़ना चालू हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे बाल का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है। बालों की लेंथ हम काट लेते हैं बाल ताकि अच्छे से स्प्लिटेंस ना हो। काफी सारी प्रॉब्लम्स है यार, वी ऑल नो दैट यार, राइट? तो इसलिए अभी जो मार्केट में है, यू नो, हेयर विग्स, जो सिंथेटिक विग्स होते हैं वो भी अवेलेबल है। विग्स नहीं, एक्चुअली आई वुड रादर सी देम एक्सटेंशंस। एंड उससे ज्यादा बेटर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ह्यूमन हेयर विग्स भी अवेलेबल है, बट दे आर वे टू कॉस्टली। तो इसलिए मैंने फॉर फर्स्ट ट्राई, लाइक मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था मतलब बालों पे एक्सटेंशन वगैरह लगाना, तो इसलिए मैंने अभी खरीदा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ह्यूमन हेयर जो विग होता है, जो ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन होता है, वो ना लेते हुए मैंने सिंथेटिक विग जो है, सिंथेटिक एक्सटेंशन जो है वो लिया है। तो यू नो, वो जो मतलब जो हमारे जो ये एक्सटेंशन है वो बालों को लिटरली, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा लुक देते हैं गाइज। और हमारे बाल मतलब बिल्कुल आपको डिफरेंस समझ भी नहीं आएगा कि आपके असली बाल कौन सा है, नकली बाल ना आगे वाले को समझ में आता है, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट वंस एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यू नो, अगर इन सब चीजों के साथ अब आप हमेशा तो अपने बाल यू नो एक्सटेंशन लगा के खुले नहीं छोड़ोगे, तो अगर इन बालों के मतलब एक्सटेंशन के साथ अगर आपको कोई और अच्छी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, थोड़ी सी मेथड्स आपको पता चल जाए कि बाल कैसे करने हैं, अलग अलग टाइप के थोड़ा सा हेयर स्टाइल्स अगर आपको पता चल जाए, तो यू नो आपके लिए भी हेल्पफुल है और बहुत इजी हो जाता है। कहीं पे भी जाना है तो बालों की टेंशन नहीं रहती, एक्सटेंशन लगाओ और निकल लो, मतलब बहुत अच्छा आइडिया ये। तो मैं यही वीडियो में आपको आज बताने वाली हूँ एंड इट्स रियली 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 अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। तो आइए देखते हैं, हियर वी गो। सो गाइस, ये है एक्सटेंशन एंड आप देख लो मतलब बिल्कुल रियल लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा वॉल्यूम वगैरह भी काफी अच्छा है। ये सिंथेटिक है, ह्यूमन हेयर का नहीं है। इसमें जो है यहाँ पे ये क्लिप्स है, टोटल 5 क्लिप्स प्रोवाइड किए। इन क्लिप्स को आपको खोलना होता है, ओके। और ये क्लिप्स को आप देख रहे हो, ये कोम जैसा है, ओके। तो ये जो है इसको आपको बालों में अपने फंसाना होता है और उसके बाद ये आपका एक्सटेंशन जो है वो लग जाता है, ठीक है। तो इसको फंसा के आपको क्लिप बंद करनी होती है, ओके। तो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि एक्सटेंशन हमें लगाना कैसे, ओके। आपके जो ईयर लाइन है ना, ये यहाँ से आपको बाल अपने ऊपर लेते हुए जाना है, हाफ है पार्टीशन आपको करना है। और अब इन बालों को आपको ऊपर बांध देना है, जो है ये जो आपके बाल बाकी है यहाँ पर आपको लगाना है आपका एक्सटेंशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे पिन्स होती है, ये पिन्स को हमको फंसाना होता है बालों में। So here you can see, बालों में बिल्कुल भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। सो एज यू कैन सी, ये है मेरे बाल, मेरे यानी एक्सटेंशन लगाए हुए बाल। तो अब मुझे बताओ गाइस, कहाँ आपको इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है? या बिल्कुल कोई, मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैंने 2-3 पार्टीज में जब इसको लगाया था तो सब लोग आके पूछ रहे थे कि यार तेरे बाल कहाँ, तूने कटवाए, बता इतने अच्छे कैसे हुए एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। तो
मतलब ये बिल्कुल पता नहीं चलता है किसी को भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन का ये बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली, मुझे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे बालों की जो विड्थ है ना, थिकनेस जो थी वो बहुत कम हो गई थी, तो इसलिए मुझे काटना पड़ा था मेरे बाल, और तब से मैं जो है ये एक्सटेंशन वाला भूत मेरे सिर पे चढ़ा हुआ है, और क्योंकि मुझे अब ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा प्रेजिंग मिली है इसके वजह से, तो अब तो मैं इसको मतलब मोस्ट ऑफन लगाते रहती हूँ। सो हैव अ लुक एट इट, इजंट इट ब्यूटीफुल, लाइक कितना ज्यादा प्यारा और कितना थिक और कितना ज्यादा वॉल्यूम आपको इसमें लग रहा है, कितना ज्यादा वॉल्यूम है बालों का, देखो। सो ये एक्सटेंशन लगाने तक का तो ठीक है, बट अब वो लेंथ वाइज जैसे जितना लंबा आपको चाहिए, किसी को बहुत लंबे बाल पसंद लगते हैं, किसी को छोटे शॉर्ट हेयर वाला चाहिए होता है, तो मेरी टिप आपको एक यही रहेगी कि आप जब भी इसको लेने जाओ तो किसी के हाथ से मंगवाओ मत, खुद जाओ अपने बालों के हिसाब से खुद सिलेक्ट करो, क्योंकि कभी कभी मिसमैच हो जाता है ना, तो फिर वो बहुत अजीब दिखता है, तो इसलिए आप बराबर अपने हिसाब से मैच करके लेकर आ जाइए। अगर आपके बाल हाईलाइटेड है तो उस पर भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाईलाइटेड एक्सटेंशन भी अवेलेबल होते हैं, तो आप जाके वो परचेज कर सकते हो अपने लेंथ के हिसाब से, अपनी कम्फर्ट के हिसाब से आप उसको कैरी कर सकते हो, एंड आपको फ्लॉलेस का हमेशा वैसे ही मिला। So this was all about my today's video, and I hope कि आपको मेरा video अच्छा लगा होगा। If you do, अगर आपको लगा है कि ये video useful है, तो please do like, share and subscribe and stay safe and stay smiling.